नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल इमरान खान ने पाकिस्तान को फिर एक नई राह दिखा दी। राह भी ऐसी दिखाई कि लोग टोपियां उछाल उछाल कर गधिया नृत्य कर रहे हैं। इमरान के एक और नए आइडिया से उम्मीद जगी है कि इस बार यह मदरसा पैदाइश साहूकार बनने की मंजिल पूरी कर लेगी। इमरान ने बताया है कि मौसम 4 नहीं 12 होते हैं। पाकिस्तान की तरक्की का फलसफा अंडो मुर्गी भैंसों के बाद जैतून के तेल में मौजूद है। मतलब जैतून के तेल को तहमत ऊपर उठाकर लगाइए और हीरा मंडी के चौराहे पर जाकर खड़े हो जाइए। इसके बाद वहां पर खूब पैसा बरसेगा। यानी जिस तरह अरब सागर से तेल निकला, रेकोडिक से सोना तांबा खोदा गया, अंडों से मुर्गी और कट्टों से भैंसे बनी, अब जैतून के तेल से इनकी तसरीफ चिकनी की जाएगी। वह भी 4 मौसमी नहीं 12 मौसमी, जिसे चमकाकर पाकिस्तानी अवाम धनोपार्जन करेगा। जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, उनको पहले इमरान की इस नई खोज को उनके मुंह से ही सुन लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं यह लड़का कितने शानदार और दमदार तरीके वितरित कर रहा है। इसके बाद इस पर आगे बातें करते हैं। हमारे पास किस किस्म के मदनियात हैं, किसी को पता ही नहीं अभी तक। सोना, तांबा, कोयला, जरखेज जमीन, 12 मौसम है पाकिस्तान में। आपका ममान का जो इलाका है, आपको पता है हम क्या क्या करने लगे हैं। हमने ये टेस्ट किया है कि बेहतरीन किस्म का जैतून लगता है आपके इलाके में। जो पहली चीज हम करने जा रहे हैं, हम इस सारे इलाके के अंदर पहले ममान डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है, जिधर हम पूरे जैतून के बागात लगाने लगे हैं। और भी हमने पाकिस्तान में जो इलाके देखे हैं, बेहतरीन है जैतून के लिए। वो ऐसा एक जैतून का तेल है जो कि हमें ये जो हम बाहर से चीजें तेल मंगवाते हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एहसास प्रोग्राम की और भी चीजें, कर्जे हैं, नौजवानों को कर्जे ताकि वो अपनी बिजनेस कर लें। एक स्टार्टअप मतलब के कोई भी आपके पास आइडिया है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कोई दुकान लगाना चाहता हूँ, रिक्शा लेना चाहता हूँ, उसके पास भी हमारे पास प्रोग्राम है। हम आपको कर्जे देंगे, आप अपनी दुकानें लगाएं, अपनी अपना रिक्शा लें। ख्वातीन के लिए गाय, भैंसे, मुर्गियां वो लेके दें ताकि वो भी घर में अपनी आमदन बढ़ा सकें, दूध बढ़ा सकें, बच्चों को प्रोटीन दे सकें। इसका मतलब यह है कि 70 साल से मदरसों में जो झक मारी गई, वह ऊंटनी के मुंह में धनिया साबित हुई। क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ इमरान खान को ही आया है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी खूबियां हैं। या खान से लेकर जुल्फिकार बेंजीर, नवाज शरीफ सभी बेमतलब में तशरीफ रगड़ कर चले गए। जिन्ना तो वैसे भी इन लंगूरों का चिंपैंजी था, इसलिए इनकी उछल कूद पर वे रिझने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अब लगता यूं है कि इमरान लोंडा पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए इनकी तशरीफ को चिकनी करके ही मानेगा। वैसे भी पाकिस्तानियों के पास यही इज्जत बची थी, अब उस पर भी तेल लगवाया जा रहा है, वह भी जैतून का तेल। इसी लोंडे ने बताया कि तांबा, सोना, पेट्रोल और 12 मौसम पाकिस्तान में है, साथ में जैतून का तेल भी यहां मौजूद है। अब इसी जैतून के तेल से मदीने की रियासत बनाई जाएगी। मजे की बात यह है कि मदरसे में गर्दन पटक कर आई छपारी कौम अपने पीएम की वाई वाई करके ठुमके लगा रही है, जिसका मतलब यह है कि अब इस मुल्क को एक नई राह मिल गई है। पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान खान जिस जैतून के तेल से अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, हकीकत उसके ठीक उलट है। पाकिस्तान जैतून तेल के आयातक देशों में शुमार है। जैतून तेल का सबसे बड़ा निर्यातक स्पेन है, उसके बाद इटली, ट्यूनिशिया, ग्रीस, पुर्तगाल, साइप्रस, जर्मनी और रूस जैसे देश शामिल हैं। भारत भी जैतून तेल के आयातक देशों में से एक है, जिसका घरेलू बाजार ही 900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि पाकिस्तान में जैतून के तेल को पवित्र तेल समझा जाता है। कहा जाता है इनके पैगंबर ने इस तेल को प्रयोग करने का संदेश दिया था। पाकिस्तान हर साल 2.60 करोड़ डॉलर का जैतून तेल आयात करता है। ऐसे में इमरान द्वारा की गई बकेती के कोई सिर पैर नहीं है। यूं भी इमरान खान यू टर्न को नेताओं की शान मानते हैं। पाकिस्तान का जिस तरह बैंड बज रहा है और अवाम तैमंद कब्र पर चढ़ाए दौड़ रही है, वहां जैतून का तेल कोई कमाल दिखाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बिजली के दाम आसमान पर है, या यूं कहे कि आसमानी बिजली सस्ती पड़ रही है, पर वह भी इन पर नहीं गिर रही है। गैस सिलेंडर 3000 के पार हो चुका है। डॉलर 150 पाकिस्तानी रुपए के ऊपर चल रहा है।
आटा, चीनी, सब्जियां, दवाइयां सब कुछ जनता की पहुंच से दूर है। पेट्रोल पर 20 रुपए बढ़ाकर फिर 5 रुपए कम करके इमरान अपनी तसरीफ बजवा रहे हैं। ऐसे में जैतून का तेल इस मुल्क के बाजारों में खुशहाली लाएगा, यह आइडिया मदरसे के मुल्ला का हलाला की रकम से लखपति बनने जैसा है, जो इधर से लिया फिर मेहर के रूप में वापस सौंप दिया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।